तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन ईयरबड्स की एंड गाइस ये काफ़ी ट्रेंड में वेलकम टू माय चैनल। तो ये है गाइस का बॉक्स और बॉक्स में भी काफ़ी डिटेल मिलता है जो कि रीड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू वायरलेस हेडफोन एंड ट्रू वायरलेस स्मार्ट ईयरबड्स। तो चलिए पहले बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। प्राइस की बात करें तो 390 रुपये का प्राइस है, 390 रुपीज़ ऑनलाइन इजिली हमें मिल जाते हैं, म्यूजिक वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बाकी लिंक ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये इसका बॉक्स है, बॉक्स में काफ़ी चीज़ें मिलते हैं, टच ऑपरेशन, HD कॉलिंग। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, टच टाइम 6.5 घंटे का 80% वॉल्यूम पर एंड म्यूजिक प्ले टाइम है 6.5 घंटे का 80% वॉल्यूम पर, चार्जिंग टाइम है 1.5 घंटे का। ये इसके बॉक्स में गए सारी चीज़ें मेंशन है, अपनी तरफ तो कुछ भी नहीं आपको बता रहे हैं। एंड चलिए पहले बॉक्स से इसको बाहर निकाल लेते हैं और देखेंगे किस टाइप के ईयरबड। ये एक ट्रांसपेरेंट केस के साथ आते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। एक चार्जिंग केबल है एंड ये है ईयरबड, और ये ग्रीन कलर के। फिलहाल इसके और भी कलर्स आते हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ कलर्स हैं इसके। एंड ये काफ़ी लाइट वेट है और ये है टाइप ए टू टाइप सी इसकी केबल है, चार्जिंग केबल। बाकी बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, यूज़र गाइड भी नहीं है, सारी चीज़ें बॉक्स में ही मिलता है। एंड देखने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, ये देखिए ग्रीन हो रही है लाइट भी इसमें, और एक ट्रांसपेरेंट केस के साथ तो और भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये है ईयरबड एंड क्वालिटी वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, देखने में प्रीमियम लग रहे हैं। एंड ये गाइस की पिन जो आपको दिख रही है, यहीं पर जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अभी जिसका केस है वो चार्ज नहीं है, वरना चार्जिंग स्टार्ट हो जाती, और इसमें चार्जिंग भी दिखाता है कितने परसेंट है। बाकी देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है। बाकी साउंड क्वालिटी हमें चेक करनी है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब है। तो अभी हमने से कुछ चार्ज करा, 33% ये चार्ज हो चुके हैं। अब देखिए इस टाइप के कुछ चार्ज होते हैं, यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि बढ़ती जाती है चार्जिंग इस टाइप से कुछ। एंड बैटरी बैकअप की बात करें तो जिसकी गाइस बैटरी आई थिंक सही है, फिलहाल इसके बॉक्स में तो काफ़ी चीज़ें मेंशन है, बट उतना मुझे नहीं लग रहा बैकअप देगी, बट बैटरी सही है इसकी। और ये काफ़ी नथिंग फ़ोन से भी मिलता है, देखिए काफ़ी मैच कर, अगर वाइट ब्लैक में आप जा रहे हैं तो नथिंग फ़ोन भी ट्रांसपेरेंटी लुक में है कुछ इस टाइप के। तो गाइस चलिए पहले से कनेक्ट कर लेते हैं, ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ पर जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा TWS, वहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो पहले ईयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा हमें, एंड यहाँ पर अगर आपको टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ट्रायल केस से निकालने पर ये ऑन हो जाता है, यहाँ पर हम ब्लूटूथ पर जाएंगे, ये देखिए TWS लिखा है। फिलहाल हम पहले इसे कनेक्ट कर चुके हैं, फिर से कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। एंड यहाँ से हम पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे, इसके लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ से। सो अभी हम देखते हैं, फिर म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे एंड अब हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक करने वाले गाइस। तो फिलहाल इस पर काफ़ी हमें टच सेंसर भी मिल जाते हैं, जैसे कि प्ले पॉज करने के लिए अब एक बार टाइप करें तो प्ले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, अगर नेक्स्ट करना है तो उस पर लॉन्ग प्रेस करिए, ये नेक्स्ट हो जाएगा इस टाइप से कुछ। इसमें इस टाइप का भी काफ़ी मतलब फीचर मिल जाते हैं, इसमें टच सेंसर भी हमें देखने को मिलता है, और ये वर्क भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, देखिए टच करने पर नेक्स्ट हो जा रहा है। हमने इसमें गाइस कुछ सॉन्ग प्ले करें, जिसके स्पीकर की क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें एक एवरेज देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कॉलिंग के लिए सही है, मतलब कि कॉल वगैरह में तो ठीक ठाक वर्क कर रहा है। बाकी अगर आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तो उसके लिए नहीं सही, क्योंकि जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी गाइस में हम अभी सॉन्ग प्ले करेंगे, आपको कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की इसकी साउंड क्वालिटी है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आपको कैसे लगे मैं कमेंट पे बताइएगा। बाकी जब इसको हम बाहर निकालते हैं, इस पर वापस डालते हैं, तो जिसकी मैग्नेट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी है, बट जो मेन होता है स्पीकर की क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं है। देखिए रात में गाइस देखने में काफ़ी यूनिक गैजेट लगता है, ये देखिए इस टाइप तो कुछ लग रहा है, एंड इसकी लाइट और भी ज़्यादा ग्लो कर रही है। अगर आप इसमें गेम प्ले करें या म्यूज़िक प्ले करें तो नहीं सही है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है, बट कॉलिंग के लिए ठीक है। तो गाइस हमारे पास दो ये भी, इसके भी हमने अनबॉक्सिंग करी थी, ये NC क्वालिटी वाले हैं। फिलहाल इसको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस टाइप के हैं, फिलहाल इसको हम अनबॉक्स कर चुके हैं, बट हमारे पास रखे थे, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है, ये देखिए ये टाइप सी वाला है जो भी आया था, फिलहाल क्लोन है, काफ़ी सही है फिलहाल देखने में। एयरपॉड्स प्रो है ये देखिए इसका बॉक्स है, एंड
ये है ENC, ये इजीली आपको मिल जाता है 299 रुपीज़ का। हमने बाय करा था इसको और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी क्वालिटी गाइस उससे ज़्यादा अच्छी है, मतलब साउंड क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। बाकी देखने में तो काफ़ी ओरिजिनल लगते हैं, बट ये ओरिजिनल है नहीं। एंड देखिए इस टाइप की लाइट इसमें भी ब्लिंक होती है और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं भी। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है इसमें, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें सही है फिलहाल, उससे तो ज़्यादा सही है। बाकी और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। इसके साथ हमें एक लाइन यार्ड मिला है जो कि साइड में लगता है इसके, ये देखिए यहाँ पर लगेगा लाइन यार्ड। एंड ये एक केबल है टाइप ए टू लाइटनिंग केबल चार्जिंग के लिए, ये देखिए देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है और लाइट भी इसमें ब्लिंक हो रही है। बाकी गाइस ये है, इसका प्राइस हम आपको बताएं 999 रुपये है और यहाँ पर मेंशन इन डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। और इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि यूज़र मैनुअल है और ये देखिए इस टाइप से कुछ है। देखने में तो काफ़ी ओरिजिनल लगता है बट ये है नहीं, यूज़र गाइड्स हैं इस टाइप से, मैंने रीड भी कर सकते हैं, बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं रीड करने की, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और ये है गाइस एयरपॉड प्रो टाइप सी वाला, इसमें टाइप सी हमें देखने को मिले जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ और फिर का ये क्लोन है और देखने में तो काफ़ी ओरिजिनल लग रहा है। बाकी जो इसका वेट है, मतलब कि उससे ज़्यादा वेट है इसका, और इसमें जैसे कि ओरिजिनल सारी चीज़ें मेंशन होती थी टाइप इसमें भी मेंशन है। इसके हिंजेस है ये भी काफ़ी सही हैं। बाकी यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो इसमें साउंड भी हमें सुनने को मिलता है इस टाइप के कुछ, क्योंकि इसमें स्पीकर भी है और इसमें स्पीकर बस मतलब कि मैं दिखाने के लिए बट है नहीं ओरिजिनल में, इसमें है। इसको आप प्रेस करेंगे देखिए इस टाइप कुछ बज भी रहा है। बाकी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है हमने सिर्फ सुना, और क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है ये एयरपॉड्स। एंड गाइज आप फुल वीडियो भी इसका वॉच कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं, फिलहाल हमने आपको दिखाया और टाइप सी वाला है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मेंशन है जो कि आप रीड भी कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है ये। इसके साथ हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसके साथ हमें मिलती है ये केबल टाइप ए टू टाइप सी एक केबल है, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं, जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप लगा लीजिए। बाकी गाइज आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड टाटा।